पितामह जो महाभारत की शुरुआत से अंत तक रहे, बाणों की शैया पर 58 दिन तक जीवित रहे। सूर्य के उत्तरायण होने पर ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। शांतनु से सत्यवती का विवाह भीष्म की ही विकट प्रतिज्ञा के कारण संभव हो सका। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने और गद्दी न लेने का वचन दिया और सत्यवती के दोनों पुत्रों को राज्य देकर उनकी बराबर रक्षा करते रहे। जय श्री कृष्ण साथियों, आज इस वीडियो में जानेंगे भीष्म पितामह से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आपके एक लाइक से हमें अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। पृथ्वी अपने गंध को, अग्नि अपने ताप को, आकाश शब्द को, वायु स्पर्श को, जल नमी को, चंद्र शीतलता को, सूर्य तेज को और धर्मराज अपने धर्म को छोड़ सकते हैं, किंतु भीष्म तीनों लोगों के राज्य या उससे भी महान सुख के लिए अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकते। शांतनु पुत्र देवव्रत आज यह प्रतिज्ञा करता है कि आजीवन ब्रह्मचारी रहते हुए हस्तिनापुर की राज्य की रक्षा करेगा। भीष्म प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। उन्होंने कहा, मनुष्य की प्रतिज्ञा सिंक नहीं है जो झटके में टूट जाया करती है। जो बात एक बार कह दी गई उसे लौटना मनुष्य की दुर्बलता है, चरित्र की हीनता है। महाभारत छिड़ने पर उन्होंने दोनों दलों का बहुत समझाया। अंत में कौरवों के सेनापति बने। युद्ध के अनेक नियम बनाने के अतिरिक्त इन्होंने अर्जुन से न लड़ने की भी शर्त रखी, पर महाभारत के 10वें दिन इन्हें अर्जुन पर बाण चलाना पड़ा। शिखंडी को सामने कर अर्जुन ने बाणों से इनका शरीर छेद डाला। बाणों की शैया पर 58 दिन तक पड़े इन्होंने अनेक उपदेश दिए। अपनी तपस्या और त्याग के ही कारण अब तक भीष्म पितामह कहलाते हैं। इन्हें ही सबसे पहले तर्पण तथा जलदान दिया जाता है। भीष्म के चरित्र की यह विशेषता थी कि जो प्रतिज्ञा कर लेते थे उससे नहीं हटते थे। उनके जीवन में इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं। जब महाभारत युद्ध आरंभ हुआ तो भीष्म कौरवों की ओर थे, कृष्ण पांडवों की ओर थे। युद्ध के पूर्व कृष्ण ने कहा, मैं अर्जुन का रथ चलाऊंगा पर लड़ूंगा नहीं। तब भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी, मैं कृष्ण को शस्त्र उठाने पर विवश कर दूंगा। शैया पर पड़े भीष्म ने युधिष्ठिर को ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, धर्म व नीति का जो उपदेश दिया वह महाभारत के शांति पर्व में संग्रहित है। पितामह भीष्म के उपदेश मिल के पत्थर की तरह सदैव मानव जाति के पथ प्रशस्त करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण साथियों।